fourth phase, we have solved question and discussed. You might have completed till question number 49. From question 50, fifth stage or fifth phase starts. अच्छा, यहाँ से question का level थोड़ा difficult हो रहा है. Fifth, sixth और seventh ये तीनों phase के questions difficult है. तो उसमें ज्यादातर question को मैं solve करूँगा. तो आप पूरा ध्यान दीजिए, यहां से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 50. ऑल ऑफ यू रीड इट वेरी केयरफुली. इट इज गिवन a रेज टू p इक्वल्स टू b रेज टू q इक्वल्स टू c रेज टू r. एक इंफॉर्मेशन ये है. दूसरी एक इंफॉर्मेशन ये है b स्क्वायर इक्वल्स टू ac एंड बेस्ड ऑन दिस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज q इनटू p रेज टू r होल डिवाइड बाय pr. अब क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया कि सर ये क्वेश्चन में गिवन जो है और रिक्वायरमेंट जो है उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है और इसको कैसे सॉल्व करें सर. देखो, इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, लेकिन बिफोर अप्लाइंग दिस टेक्निक यू नीड टू हैव एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन इन गिवन फॉर्म. सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. आपके पास दो इंफॉर्मेशन गिवन में होनी चाहिए जो मैं टेक्निक बोलने जा रहा हूं अप्लाई करने के लिए. जैसे कि ये इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है. यस, दो इंफॉर्मेशन है, हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, टेक्निक का नाम है के मेथड. हम इसको बोलेंगे के मेथड. क्या कर रहा है, पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसका यूज कर रहे हैं. चलिए उसको सॉल्व करते हैं. ए रेज टू पी equals to b raised to q equals to c raised to r. These all are equal. They must be equal to some value. क्योंकि ये कोई ना कोई तो value होगी. हम मान के चलते हैं, suppose ये value k है. हम ये लेते हैं कि ये k है. तो इसका ये मतलब हुआ कि a raised to p equals to k as well as b raised to q is also equal to k, c raised to r is also k. Achha, a raised to p is k, toh main isko aise bol sakta hu, a equals to k raised to 1 by p, agreed or not, please tell me. Haan, isko bolenge horizontal transfer power ka kya kar lete hain, reciprocal, theek hai? तो a is a raised to p is equal to k, then a will be equal to power cot opposite side. Horizontal transfer करना है तो उसका reciprocal लेते हैं. Same way b is equal to k raised to 1 by q and c is equal to k raised to 1 by r. चलिए एक information का use करके जितना हो सकता था वो का हमने कर लिया. अब यूज करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन. दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, व्हाट इज बी? बी का मतलब है के रेस टू वन बाई क्यू और ये बी का स्क्वायर है, तो मैं यहां पर स्क्वायर लिख देता हूं. एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू सी. सो ए इज इक्वल टू के रेस टू वन बाई पी and c is equal to k raised to 1 by r. तो यहां पर हमने second information को first information के बेस पे जो result निकाले थे वो result को second information में substitute कर दिया. अच्छा, इसको मैं solve करूं तो ये होगा कि k raised to 2 by q is equal to k raised to 1 by p plus 1 by r. Base r से multiplication powers to be added. That means, अब आप बोल सकते हो कि यहां base same है और equality का sign है तो powers को मैं equate भी कर सकता हूं. Means, 2 by q is equal to 1 by p plus 1 by r. Okay? अब, 2 by q is equal to, suppose मैं LCM PR में लूँ तो ये R plus P, ऐसा लिख सकते हो? Okay, that means 2 is equal to Q
into q यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, r plus p लिखे या p plus r लिखे, बेटर है कि मैं तुम्हें p plus r ही लिख रहा हूँ, and whole upon p, look at this was the required expression, and that is equal to 2. So final answer q into p plus r upon pr is equal to 2. कौन सा आंसर है इक्वेशन 50 में? ये है आंसर सी. तो के मेथड का यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, तो के मेथड को यूज करो, बहुत इजी हो जाएगा. कुछ कंडीशन कौन सी है? दो इंफॉर्मेशन गिवन में होनी चाहिए. चलिए इसके बाद वाला भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, वो भी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि वही पैटर्न का है, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 51 में क्या दिया हुआ है? If a raised to p equals to b raised to q equals to c raised to r equals to d raised to s, that is equal to d raised to s. एक ये इंफॉर्मेशन. दूसरा इंफॉर्मेशन है ab is equal to c, और उसके बाद पूछा है what is the value of 1 by p plus 1 by q minus 1 by r minus 1 by s. ये क्या है? ये आपको पूछा है. a raised to p equals to b raised to q equals to c raised to r equals to d raised to s equals to k. मान के चलते हैं. इसका मतलब a, b और c का तो हमने पहले से लिखा हुआ था, d raised to s equals to k implies d equals to k raised to 1 by s. चलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बेस पर सब कुछ हमने निकाल दिया, अभी आगे नहीं बढ़ सकते तो सेकंड इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं. सेकंड इंफॉर्मेशन है a, b equals to c. अच्छा a क्या है भाई? k raised to 1 by b into k raised to 1 by q, और cd में k raised to 1 by r into k raised to 1 by s. चलिए यहां बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो k equals to 1 by p plus 1 by q, और यहां पर k equals to 1 by r plus 1 by s. बेसे में इक्वालिटी का साइन है, पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, दैट मींस 1 बाय p प्लस 1 बाय q इक्वल्स टू 1 बाय r प्लस 1 बाय s. अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो सीधा आंसर मिल जाएगा. देखो 1 बाय p प्लस 1 बाय q माइनस 1 बाय r माइनस 1 बाय s इज इक्वल टू 0. तो आपका आंसर है ऑप्शन b. आंसर है ऑप्शन b. Any confusion? Okay. उसी पैटर्न में नया क्वेश्चन 53. 2 raised to a equals to 3 raised to b equals to 12 raised to c. Equality, equality है यहाँ पर. और उसके बाद दिया है 1 upon c minus 1 upon b minus 2 by a का आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर हमने पहले बताया था आपको कि कम से कम दो इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब गिवन में दो होनी चाहिए तभी हम एक्सप्रेशन में जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ गिवन में दो इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन है. दैट मींस के मेथड अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, के मेथड हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन ही दी हुई है. वो पता लगे कि एक ही इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसिवली अवेलेबल है, लेकिन हिडन बेस पे एक और इंफॉर्मेशन है जो बेस्ड ऑन नॉलेज आपको डिराइव करनी है. लुक एट द सॉल्यूशन, क्या करेंगे, मतलब के मेथड ही यूज करना है. प्लीज सी ऑन द बोर्ड. 2 रेस्ट टू ए इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू बी इक्वल्स टू 12 रेस्ट टू सी इक्वल्स टू सम वैल्यू से इट इज के. That means 2 raised to a is k, 3 raised to b is k, and 12 raised to c is k. It means 2 equals to k raised to 1 upon a,
3 equals to k raised to 1 upon b and 12 equals to k raised to 1 by c. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अब सेकेंड इंफॉर्मेशन हो और इसमें ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये एक्सप्रेशन तक जा सकते थे जो पहले दो क्वेश्चन में यही काम किया था. यहां सेकेंड इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन हम सेकेंड इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन आवर प्रायर नॉलेज. जैसे कि हमको 2, 3 और 12 ये तीनों फिगर का ही या तीनों वैल्यूज का ही यूज करके इन तीनों के बीच ऐसी रिलेशनशिप सेट करनी है कि ये तीनों इंटरकनेक्टेड लगे. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 12 इज इक्वल टू 3 × 2 × 2. ये तो ओपन इंफॉर्मेशन है ना, ये देने की जरूरत भी क्या है. 12 इज इक्वल टू 3 × 2 × 2. और क्यों मैंने 12 को इसी फॉर्मेट में लिखा, मैं किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे यूज करना है 2, 3 और 12 इन्हीं की वैल्यूज का, क्योंकि यही तीन वैल्यूज को मुझे k के फॉर्म में अवेलेबल है. तो इनका यूज करके एक कनेक्शन, एक रिजल्ट हम डेवलप कर लेते हैं जो हमारे नॉलेज के हिसाब से अवेलेबल है. चलिए 12 का मतलब क्या है. 12 का मतलब है k raise to 1 by c. 3 का मतलब क्या है, k raise to 1 by b. 2 का मतलब क्या है, k raise to 1 by a. Again k raise to 1 by a. That means k raise to 1 by c is equal to k raise to 1 by b plus 1 by a plus 1 by a. That can be written as k raise to 1 by c equals to k raise to 1 by b plus 2 by a. अच्छा, अभी base same है तो powers को भी equate कर लेते हैं. तो 1 by c equals to 1 by b plus 2 by a. और इसको मैं opposite side ले जाऊं तो 1 by c minus 1 by b minus 2 by a, and that is what the required expression is, you see. So answer is 0. So you must put tick mark on 0 is there at option b. So for 53, answer is option b. Question number 54. Same data, 2 raised to a equals to 3 raised to b equals to 12 raised to c. हाँ, requirement में change है ab minus c into the bracket a plus 2b. Okay, ये answer क्या होगा. देखो, टेक्निक वही अप्लाई करनी है, काम भी वही करना है, ठीक है. तो ये हमारे पास डेटा जो है वो तो अवेलेबल ही है, 2 raised to a equals to 3 raised to b equals to 12 raised to c equals to k. Then 2 is equal to k raised to 1 by a, 3 is equal to k raised to 1 by b, and 12 is k raised to 1 by c. Relation भी यही है, 12 equals to 3 × 2 × 2, क्योंकि यही का यूज करना है. So till this level, entire question will remain same. Change क्या हो रहा है, अब यहां से थोड़ा change हो रहा है, वो देखते हैं. हमको जो चाहिए उस हिसाब से, मतलब रिक्वायरमेंट पे हमने हमारी नजर होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ चेंजेस करेंगे. तो मैं 1 by c को तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ एलसीएम ए भी ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, a plus 2b. अब समझ में आया क्या है इधर. अब ये ए बी इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और c को मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो c इंटू ए प्लस 2b. अब ये पूरा एक्सप्रेशन अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो आप ध्यान से देख लो, यही हमारा रिक्वायरमेंट था, माइनस c इंटू ए प्लस 2b, एंड दैट इज आंसर 0. और आंसर 0 है तो क्या करेंगे, ऑप्शन है हमारा 54 का ऑप्शन a है. तो आंसर हो गया हमारा ए.
एनी कंफ्यूजन? ओके ओके, एक और क्वेश्चन कंटिन्यूटी में देख लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, इसके बीच जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इफ 2 raised to a equals to 4 raised to b equals to 8 raised to c, एक इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन है ए बी सी इज इक्वल टू 288, एंड बेस्ड ऑन दिस टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज 1/2a + 1/4b + 1/8c, इसका क्या आंसर होगा? चलिए, कई लोगों ने ट्राई करके चेक कर लिया होगा, के मेथड यूज किया होगा, बट आई वुड से देयर इज नो के मेथड हियर। ओ सर, यू हैव से व्हेन सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर एंड टू इंफॉर्मेशंस आर गिवन, के मेथड कैन बी अप्लाइड। यस, आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट पॉइंट ओनली, बट द क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। ही हैव नॉट द टू इंफॉर्मेशन, your 3 informations means, see, 2 raised to a, 4 raised to b, 8 raised to c, जब ये numbers है तो 2 4 8 का connection, तो 2 4 8 हो गया, तो दो information, एक given information, एक hidden information हो गई। ये abc equals to 2ab के third information की जरूरत क्या है? नहीं है, फिर भी दिया हुआ है, that means वो k method वाला question नहीं हो। आप ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन में जब दो इंफॉर्मेशन कब देते थे, जब बेस में जो वैल्यूज थी वो कोई नंबर नहीं था लेकिन अल्फाबेट था, जिसका कोई भी वैल्यू हो सकता था, अननोन अल्फाबेट थे। तो अननोन अल्फाबेट थे तो ab equals to cd या b square equals to ac ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट का इंटरनल रिलेशन क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन नंबर्स देते थे तो एक ही इंफॉर्मेशन देते थे, दूसरी हिडन इंफॉर्मेशन हम खुद जनरेट करते थे। यहां नंबर्स है तो दूसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी इट इज गिवन, इट सजेस्ट द मेथड इज लिटिल डिफरेंट। एंड नाउ प्लीज पे अटेंशन, तो अप्रोच क्या होना चाहिए ये जरूरी है। क्वेश्चन देखा और सॉल्व कर लिया ऐसा नहीं है, यू मस्ट गो बाय सर्टेन अप्रोच। कब ये सॉल्व करना है, कब ये नई पैटर्न से सॉल्व करना है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। देखते पहले तो ये रहा पहली इंफॉर्मेशन, 2 raised to a equals to 4 raised to b equals to 8 raised to c। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 raised to a, 4 means 2 square 4 raised to b and 2 cube 4 raised to c। और इसके हिसाब से देखा जाए तो एक और चीज हो गई, 2 raised to a equals to 2 raised to 2b equals to 2 raised to 3c, और जब ये बेस सेम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a is equal to 2b is equal to 3c, a is equal to 2b and 2b equals to 3c। अब ये तीनों इक्वल है, इसको किसी एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सपोज सभी को मैं b के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, That means, पहले ये डेटा मैं यूज कर रहा हूं, a = 2b। इसका मतलब ये हुआ कि a is expressing terms of 2b, लेकिन b is expressing what, तो मुझे b चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा b is equal to, और you can say a is into b, तो keep it like that only, ये easy रहेगा। आगे ले जाते हैं, a is expressing terms of b, now 2b equals to 3c। इसको हम b के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, b is equal to 3/2c, a equals to 2b and b equals to 3/2c, that means c equals to what, 2/3b। तो a in terms of b as well as c in terms of b, अब b को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो अभी मैं
सेकेंड इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं और वो है एबीसी इक्वल्स टू 280 के. ए इज इक्वल टू 2b, ए की जगह पर हम लिख रहे हैं 2b, बी एज इट इज, और सी का मतलब है 2/3 of b, 2/3 of b, एंड दैट इज इक्वल टू 288. चलिए चेक करते हैं. 2 × 2, 4/3b³ equals to 288. Okay, so b³ equals to 288 × 3/4. इसको सपोज हम सॉल्व करें, then b³ is equal to I think 72 will be there. So b³ equals to 216. As we know, 216 is 6³. That means b equals to 6. So a is what? 2b. मतलब 2 × 6 = 12, and C is what? 2/3b, so it is 4. So we have obtained values of A, B, and C. Now whatever the required expression is, we can easily obtain. Things required are 1/2a plus 1/4b plus 1/8c. Substitute values of A, B, and C just obtained over here. 1/2. What is A? A is 12. 1/4 × b. B is 6. Plus 1/8 × c. And this is 4. Okay. Then we can write 1/24 plus 1/24 plus 1/32. Take 96 as LCM. So 24 × 4 plus 24 × 4 = 32 × 3 = 4, 4, 8 + 3. So final answer would be 11/96. So for our question number 58, final answer is 11/96, and that is given in option C. Okay? चलिए एक और question देखते हैं, question number 59. अच्छा 59 question भी आपको लगेगा कि k method नहीं, ये k method है ही नहीं. देखो x is equal to y raised to a equals to नहीं है, y equals to z raised to b, and then z equals to x raised to c. What is the value of a into b into c? तो कोई k method की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक काम करो, x is equal to y is to a. But you know y is equal to what? Z raised to b. So substitute y equals to z raised to b in place of y. So it can be written as z is equal to a into b. Sorry, x is equal to z raised to a into b. But what is z? Z is x raised to c. So x raised to c into ab, it can be written as x raised to a into b into c. Acha, ye to x hi hai na? Means x is equal to x raised to abc. So x raised to 1 is x raised to abc. Final answer, a into b into c is equal to 1. कौन सा था क्वेश्चन? 59, एंड आंसर इज ऑप्शन बी.